धनु राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, आने वाले अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में एक विचित्र घटना होने वाली है। अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी और भयानक चमत्कार आप सभी के जीवन में पहली बार होगा। दोस्त अब आप सभी का आंगन फूलों की तरह खिल उठेगा। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का प्यार और आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार के ऊपर प्राप्त होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, आने वाले अगले दो दिनों का समय अब आप सभी का जीवन बदलने का समय है। यह समय आप सभी के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आप समय की महत्व को अवश्य समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। आप सभी के घर में दो देवता आने वाले हैं और अब आप सभी को मालामाल कर देंगे। दोस्तों यह देवता भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी है और यह दो देवता आप सभी की जीवन को आने वाले अगले दो दिनों के अंदर मंत्र बदल देंगे। इसलिए दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों के अंदर आप कोई भी गलत ही मत करना, क्योंकि दोस्तों वर्षों के बाद आप सभी के जीवन में ऐसा शुभ समय आया है और यह समय आपके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों फिर पछताते रह जाओगे। आने वाली अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में जो बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आपके दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह घटना आप सभी के जीवन में एक न एक दिन तो होना ही था, क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा ही कार्य किया था जिसका फलियास में आप सभी को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी सभी के घर नहीं आते हैं, और जिसके भी घर आते हैं उसके घर में खुशियों की नई नई किरण जगाने लगती है। जी हां दोस्तों, यह समय धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अत्यंत ही मेहरबान हो चुके हैं और अब आप सभी का भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों धन्य हो, आपकी तो लॉटरी लग गई। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बन चुका है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटना होने वाली है जिससे आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते, और दोस्तों आप सभी के जीवन में जो भी होने वाला है वह भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के मर्जी से होने वाला है। भगवान आपको यही देना चाहता है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप हो जाएं सावधान, कोई भी गलती नहीं करना। जो गलत या अपने पिछले समय किया है वह गलती अब दोबारा मत करना। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आपको बड़े बड़े संकेत देने वाले हैं, इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों ये संकेत नहीं, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का एक आशीर्वाद है। यदि आप इन्हें समझ गए तो आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी को मालामाल कर देंगे। जी हां दोस्तों, यह समय आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और इस दुनिया की कोई भी ताकत अब आप सभी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बस आप सभी को आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। दोस्तों यह जानकारी पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है और यह आप सभी के जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। चाहे आप सभी के जीवन में कितना भी दुश्मन आ जाए, कितना भी आप सभी के रास्ते को रोकने का प्रयास कर लें, लेकिन दोस्तों बस आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर भरोसा करना। आने वाले अगले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में ऐसा ऐसा बड़ा घटना होने वाला है कि सभी के होठों पर आपके ही नाम के चर्चे होंगे। जी हां दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में आपका नाम की चर्चा होगी। अगले 48 घंटे के अंदर आशीर्वाद से आपको करोड़ का धन दौलत सब कुछ मिलने वाला, लेकिन दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप बड़ी सोच रखते हैं तो कुछ नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से हटाना होगा। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ छोटे सोच वाले लोगों से रिश्ता नाता भी आपको तोड़ना होगा।
जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, जो समय के साथ आगे बढ़ता है, जो समय के साथ अपने जीवन में बदलाव करता है, वही व्यक्ति आगे चलकर इतिहास रचता है, और जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए दोस्तों, अब आप कोई भी गलती मत करना, और आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आपको जो भी मौके देने वाले हैं, उनका लाभ पूरी तरह से उठाना। जी हां दोस्तों, और कैसे आपको इसका लाभ उठाना है, आज के इस वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताने वाले, तो आप आज के ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक बनी रहेगी। इतना हम आपसे विषय विनती करते हैं, और दोस्तों, हम फुल गारंटी के साथ रहते हैं, आज कहीं हर ज्योतिष कार्यक्रम आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यदि इस वीडियो में बताई गई एक भी बात झूठने के लिए, तो मैं अन्य जन तैयार कर दूंगा और पूरे 50 लाख का जुर्माना दूंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी अपने भक्त के ऊपर जब भी मेहरबान होते हैं, तब उसके जीवन में चारों तरफ से खुशियां आती हैं, चारों तरफ से धन दौलत की बारिश होती है। जिस भी क्षेत्र में वह हाथ लगाता है, इस क्षेत्र से वह सफलता प्राप्त करता है। और दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपका भी जीवन में कुछ ऐसा ही चमत्कार होगा। बस आप अपने जीवन में यह 3 गलती मत करना। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप अपने जीवन में किसी भी लोगों को धन उधर मत देना। दोस्तों, जब भी जीवन में सकारात्मक ग्रह गोचर बनते हैं और वह समय आप किसी को धन उधार देते हैं, तब आप अपनी किस्मत को किसी और को देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जिसके भी जीवन में ईश्वर की दिव्य शक्तियां आती हैं, यदि वह किसी को धन उधार देता है, तब वह ईश्वर के आगमन को किसी और को दे देता है। और यह समय माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है, तो भूल कर भी आप यह गलती मत करना। आने वाले अगले 48 घंटे के बाद आप किसी को धन दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आप सभी के जीवन से माता लक्ष्मी नाराज होकर चले जाएंगे, इसलिए इस बात का आप विशेष तौर पर ख्याल कीजिएगा। दोस्तों, दूसरा गलतियां होगा कि जाने अनजाने आप अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन दोस्तों, जब ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान होती है, तब आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ग्रह गोचर के साथ सब इंसान चलता है, लेकिन जिसको पता नहीं होता है कि उसमें कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन से शुभ स्थिति है, तो वह उसका लाभ नहीं ले पता है, क्योंकि सावधानी के वक्त वह कार्य करने लगता है और उससे उसका वह कार्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, यह समय आप ग्रह गोचर के साथ सावधानी को जरूर रखें। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में कहीं भी मिल सकते हैं। कहा जाता है, देवों के देव महादेव हमेशा अपने भक्त के ऊपर जब भी प्रश्न होते हैं, तो वह बूढ़े व्यक्ति के साधु बाबा के रूप में आते हैं और उनकी परीक्षाएं लेते हैं। यदि उसका भक्त उन्हें सफल हो जाता है, तब वह भगवान भोलेनाथ के चरणों में जगह का लेता है, यानी कि भगवान उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, आने वाली है 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में यदि ऐसी घटना होता है, तो ध्यान रहे, आप उसका अंदर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि वह आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं, तो दोस्तों, जितना आप सक्षम है, उतना दिल खोलकर मदद कीजिएगा। भोजन का मदद आपको अवश्य करना है, इसे शीघ्र ही आप पुण्य की भाग बनेंगे और ईश्वर के परीक्षा में पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी की कुंडली में बहुत ही अच्छे अच्छे योग का निर्माण होने वाले, क्योंकि हाशमी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में मेहरबान हैं। तो दोस्तों, यह समय कुंडली का एक नया बदलाव आप सभी के सामने आने वाला है। मैं आपसे भी कि कुंडली में धनी योगराज योग शिव नाम का शुभ योग भाग्य, लक्ष्मी योग धन वृद्धि कार्य सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा, जिनके कारण आप सुबह के जीवन में अगले 48 घंटे के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आप सभी को मालामाल कर देगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी का लाभ लेने के लिए आप सभी को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको वह सावधानी बताएंगे, जैसे आप अगले 48 घंटे में हर एक मौके का लाभ उठा सकते हैं।
इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली वीडियो है। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है और इरशाद शुभ समय सभी के जीवन काल में नहीं आते हैं दोस्तों, इसलिए अब आप सभी के जीवन में ऐसा भाग्यशाली और शुभ समय आया है तो आप भगवान का शुक्रगुजार कीजिएगा और जो भी मौका आप सभी को मिल रहा है उसे पर सही तरीके से कार्य कीजिएगा। तो दोस्तों कौन कौन से कार्य, कौन कौन से उपाय आपको करना है, सारी बात इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को आज अंत तक देख लेना। आप सभी का जीवन अगर ना बदल जाए तो फिर कहना। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन से शत्रु का विनाश हो जाएगा और जो भी परेशानी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को भी आप अंत तक अवश्य ही ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े लाभ से वंचित रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण ज्ञान से। यह ज्ञान आपके जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको विषय प्राप्त होगा, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा, तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुंचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है, हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराएं नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है, दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वो हमें याद कर रहा है, पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान यदि आप सभी को अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि आपको इस तरह का ज्ञान पसंद है ताकि हम अगली वीडियो में भी आपको बताएंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ गुरुजी ऐसा ज्ञान और दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहेगा। यश में आप सभी के लव लाइफ, स्वस्थ करियर, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले, जो ग्रह गोचर की स्थिति है और जो शुभ योग का निर्माण है, इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से कार्य करना है, सभी बात पूरे विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आपको कौन कौन से खुशखबरी देने वाले, कौन से उपाय आपको करना है, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी, उनके बारे में चिंता ना करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं। आज का दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसकी आप हाल
फिलहाल उपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। नई योग क्लास में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं, आपके जीवन में अब इनकी खासी आवश्यकता है। यह समय आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है, इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे न रोकें, वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। आज आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग शहर या यहां तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। यह नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी, इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोणों पर विचार करने की जरूरत है। यह समय आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा, या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। आप किसी भी स्थिति के लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह नहीं सोचते हैं। जो कुछ आपके रास्ते में आ जाता है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ऊर्जादायी है। इस ऊर्जा का प्रयोग अपने रास्ते में आने वाले एक अवसर को समझने के लिए करें और देखें कि क्या होता है। अपने स्वास्थ्य से शुरुआत करें। तले भुने खाने से बचकर रहें, अच्छी नींद लें। प्रेम से संबंधित ग्रह अपने चरम पर है और इस कारण ये एक रोमांचक और साथ ही दीवानगी से भरा समय होने जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बनाएं या उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्रयास करें और यकीन मानें। यही चीज बराबर उत्साह के साथ आपका साथी आपको लौट आएगा। ये समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का समय है। आज का दिन आपके लिए एक विवादास्पद दिन हो सकता है। आपका किसी के लिए बुदबुदाना या क्रोधित होना व किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पेशेवर जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा आप किसी से किसी और का रहस्य खोल सकते हैं जो कि सही नहीं होगा, इसलिए आसपास के ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। किसी अनियोजित रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना है। हो सकता है कि शहर में ही घूमना चाहें, लेकिन आपका विचार खूब मजे करने का है और ऐसा ही होगा भी। आप किसी करीबी के साथ हुए गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आपको पहले ही ऐसा करना चाहिए था, परंतु आज सामने आने पर सब बातें साफ हो जाएंगी। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं। ये भी लिख लें कि आपको कल कौन से काम पूरे कर लेने हैं। ये जरूरी है कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ के मामले में आराम से काम लें। आप हर एक भावना के बारे में बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा। आपको अब जरा धीमे चलना होगा। अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इजहार के पुराने तरीकों से बदल लें। हालांकि आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कहेगा, प्यार भरे छोटे छोटे इशारे आपकी बात को समझाने के लिए काफी होंगे। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, वे भी अपनी आशा से ज्यादा अच्छी परीक्षा देंगे, परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं, आपको शीघ्र अतिशीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपने कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। समय और धन की कद्र आपको करनी चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त परेशानियों भरा रह सकता है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात संभव है, जिसके चलते पुरानी खुशनुमा यादें फिर तरोताजा होंगी। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं।
कामकाजी लोगों को हाल की उपलब्धियों के लिए सहकर्मियों से सराहना और मदद मिलेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। आप किसी करीबी को कोई सलाह देंगे और वह इसे बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा। आप आज बहुत अच्छे और नरम मूड में हैं। आज का दिन अपने पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से फोन पर बातें कर लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा समय है। यह समय कुछ एक साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णयात्मक कदम उठाएं, अवसरों का लाभ उठाने से न चूकें। जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एकदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको अभी बेशक यह महसूस न हो, यह समय पुराने संबंधों का मूल्यांकन करने और नीरस हो चुके संबंधों को तोड़-डेच फेंकने के लिए भी बिल्कुल सही है। आप काफी भावनात्मक हैं और संभावना है कि आपको अपने जैसे ही कोई भावनात्मक और उत्साही बंदा भी मिल जाए, लेकिन आपको उसके साथ नहीं चलना है, क्योंकि उससे आपके हाथ निराशा ही लगेगी। ये तो आपको पता ही है कि आकर्षण भी चुंबक के विपरीत ध्रुवों में ही होता है। आप अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें और अपने स्तर के लोगों के साथ ही दोस्ती बढ़ाने की उम्मीद करें। हो सकता है आप बाद में उनके साथ बिजनेस भी कर पाएं। कुछ भ्रम की स्थिति आज आपके कार्य क्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव मिल सकता है जो काफी भरोसेमंद है और पुरस्कार से भरपूर भी। परंतु इस तरह का प्रस्ताव आपने पहले न देखा न सुना, इसलिए आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय लें। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह न करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुहक न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर मजे करें। यह अपने रिश्तों को मजबूत और घावों को भरने का समय है। ग्रह इस तरह से पंक्तिबद्ध है कि आपको यह एहसास होगा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है और अपने पुराने रिश्तों और अपनी जिंदगी को और मजबूती देनी है। आपके जो भी मुद्दे और शिकायतें थीं, उनका आपको एहसास होगा कि इनकी वजह से आपके रिश्तों में कितनी खटास आई थी, जो कि अपने जरूरत से ज्यादा उठाए थे। आप कुछ दिनों से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिसका असर आपके व्यवहार में भी झलक रहा था, पर यह समय ये सब बातें छोड़ डैच कर कुछ कर दिखाने का समय है और साथ ही साथ अपने इस व्यवहार को बदलने का भी। आप बिना भयभीत हुए निर्णय लें जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित हो। आप किसी अच्छे जानकार से भी अपने पैसे और अपने पेशे से संबंधित सुझाव ले सकते हैं, जो कि आज फायदेमंद साबित होगा। आप आज आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बढ़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठें जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दें। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को नया रूप दे सकते हैं। आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगी। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं
जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं, तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि ये लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृग तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। आज कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएंगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़े। आज आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ न चलने के कारण कुछ तनाव की स्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपने मालिक की नजरों में आप आएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे, और इस चीज के कारण आपके करियर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भीड़भाड़ भरे इलाकों में यात्रा करते समय रक्तचाप के रोगियों को अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। आपका जीवन साथी आज काफी रोमानी मिजाज में है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब उपाय की बात करते हैं। इस कलयुग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुश्मन ना हो। दुश्मन इतना जलते हैं कि वह जब काम से नहीं हरा पाते हैं तो वह टोन टोट का जादू टोना कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे बचाने के कौन कौन से मुख्य उपाय हैं, इसके बारे में हम आपको उपाय देने वाले हैं, तो हर एक उपाय को ध्यान से सुनेगा। यह उपाय आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको भी कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे आपको परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में उसका उपाय जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला जादू एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसे दुश्मनों द्वारा व्यक्ति की खुशियों, समृद्धि और शांति को छीनने के उद्देश्य से भेजा जाता है। यह किसी की सफलता में बाधा डालने, स्वास्थ्य को प्रभावित करने और मानसिक स्थिति को कमजोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके उपाय भी बताए गए हैं जिनसे न केवल काले जादू से बचा जा सकता है बल्कि इसे करने वाले दुश्मन का भी विनाश किया जा सकता है। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर काले जादू का असर हो रहा है तो उसे तुरंत भगवान हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। बजरंग बली काले जादू से बचाव के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदर कांड का पाठ करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इससे न केवल काले जादू के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है बल्कि दुश्मनों की बुरी शक्तियों को भी हनुमान जी के आशीर्वाद से नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की सिंदूर लगी हुई प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इसे रोजाना पूजा करना और उसके सामने दीपक जलाना चाहिए। इससे काले जादू के नकारात्मक प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाना, चमेली के तेल का दीपक जलाना और गुग्गल का धूप देना भी अत्यधिक प्रभावी होता है। गायत्री मंत्र का जाप भी काले जादू के प्रभाव से बचने का एक शक्तिशाली उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही घर में शुद्धता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। प्रतिदिन घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। रुद्राक्ष भी काले जादू से बचाव का एक सशक्त उपाय माना गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति पर काले जादू का प्रभाव नहीं होता है। इसे धारण करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करके इस रुद्राक्ष को गंगा जल से धोना चाहिए और फिर इसे अपने गले में धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है और दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त नींबू और हरी मिर्च का टोटका भी काले जादू से बचने में सहायक होता है। घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च को धागे में बांधकर लटकाने से काले जादू की नकारात्मक ऊर्जा
घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इस उपाय को हर शनिवार को करना चाहिए। इसके साथ ही 7 बार नींबू और मिर्च को व्यक्ति के ऊपर से वार कर उसे चौराहे पर रख दें। इससे भी काले जादू का प्रभाव समाप्त हो जाता है। माता काली की पूजा भी काले जादू से बचाव में अत्यधिक सहायक होती है। हर अमावस्या की रात को माता काली की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। माता काली के चरणों में काले तिल चढ़ाकर और काले वस्त्र अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम क्रीम कालिकाया नमः मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पर काले जादू का असर नहीं होता और दुश्मनों की बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। घर में नियमित रूप से हवन करना भी काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होता है। हवन में गोबर के उपले, काले तिल, गाय का घी और कपूर का उपयोग करना चाहिए। हवन करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा हवन के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि काले जादू से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास मजबूत हो। दुश्मन तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति खुद अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। इसलिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आप तक पहुंचने नहीं देगा। इन उपायों को अपनाकर न केवल काले जादू से बचा जा सकता है बल्कि इसे करने वाले दुश्मन का भी विनाश किया जा सकता है। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और श्रद्धा। भगवान पर अटूट विश्वास रखें और इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें, तभी इनका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह जानकारी आप सभी को बड़ा ही महत्वपूर्ण लगा होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।